अब भारत के साथ मेरे हिसाब से भारत सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाने वाला देश है। हार्ली डेविडसन को बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया जाता है यहाँ पर, और जब भारत अमेरिका को मोटरसाइकिल भेजता है तो कोई लगभग टैरिफ नहीं होता है, तो लगभग कोई टैरिफ नहीं होता। तो मैं ये कहता रहा हूँ, मैं संक्षेप में ये कहना चाहूँगा कि ऐसे नहीं चल पाएगा। बोलिए, आप बोलिए। गुड इवनिंग प्रेसिडेंट, आई थिंक वी विल विन दैट वन इजीली, वी आर वर्किंग ऑन दैट, हम उस पर काम कर रहे हैं। गुड इवनिंग प्रेसिडेंट, दिस इज अनराइट, इट्स नॉट अ फेयर सिचुएशन व्हेन वन कंपनी इज पेइंग 100%। देखिए, कंपनी जब 100% आयात शुल्क पे करती हैं, उनको चुकाना पड़ता है, तो उनके कारोबार पर बुरा असर पड़ता है, और अमेरिकी कंपनियां बहुत ज़्यादा टैरिफ चुका रही थी, और हमने रेंट कंट्रोल के मामले पर भी काम किया है, और हमने काफ़ी कार्रवाई की है। देखिए, हमारी काफ़ी अच्छी बातचीत हुई है। देखिए, हम इसे गंवाना नहीं चाहते हैं, कोई भी इसे गंवाना नहीं चाहता है। देखिए, ये दोनों तरफ से होना चाहिए, कारोबार दोनों तरफ से होता है, दो तरफा होता है। जो आप रकम की बात कर रहे हैं वो बहुत बड़ी है, लेकिन अमेरिका को भी बराबरी का हक मिलना चाहिए, और भारत इस बात को समझता है कि जो संबंध है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन भारत को और थोड़ा अपनी तरफ से सहयोग करना पड़ेगा। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापारिक संतुलन है वो बहुत ज़्यादा है। अमेरिका सिर्फ भारत के साथ नहीं, कई अलग अलग देशों के साथ व्यापारिक संतुलन जो है वो नहीं है, और लगभग 30 अरब डॉलर का भारत के साथ व्यापारिक असंतुलन है। अब ये 24 अरब डॉलर तक आया है, लेकिन अभी भी ये बहुत ज़्यादा है। हमें 24 अरब डॉलर जो है ये व्यापारिक असंतुलन नहीं होना चाहिए। और देखिए, बहुत अच्छी जो अच्छे जो समझौते हैं वो होने वाले हैं, ये होंगे। देखिए, ये होगा, डील होगा। अगर वो डील नहीं हो पाती है तो चलिए कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो दोनों पक्षों के लिए सही होगा। आर्टिकल 370 को हटाया गया था, तब आपने कहा था कि आप मध्यस्थता करना चाहते हैं। देखिए, रुकिए, मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा था, सिर्फ मैंने ये कहा था कि कश्मीर एक बड़ी समस्या है पाकिस्तान और भारत के बीच में, और वो दोनों अपनी समस्या का खुद समाधान कर सकते हैं, लंबे समय से वो उस पर काम कर रहे हैं। आप, मैं फिर से सवाल दोहराता हूं कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं, ये भारत के लोग जानते हैं, भारत की सरकार जानती है कि उनके लिए क्या है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।